हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए दो नामों की केंद्र से की सिफारिश। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए जस्टिस उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एस वेंकट नारायण भट्टी के नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी है। सिफारिश करने वाले कॉलेजियम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने 3 जज सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद से 3 पद खाली हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 जज हैं। राजस्थान में 14 पाकिस्तान विस्थापितों को मिले भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र, लगाए वंदे मातरम के नारे। खबर है कि राजस्थान के जयपुर में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने 14 पाकिस्तानी विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे हैं। प्रमाण पत्र पाने के बाद सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए हैं। उनमें से एक ने कहा कि उनका कई वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है और वे गर्व के साथ कह सकते हैं कि वे भारतीय हैं। नागरिकता पाने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। बगावत के बाद अजीत पवार ने कहा, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद एनसीपी के बागी नेता अजीत पवार ने मुंबई में एक बैठक के दौरान कहा कि वह राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं अजीत ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी और उनके चुनाव चिन्ह घड़ी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग से संपर्क किया। अजीत ने कहा कि शरद पवार हमारे देवता हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। झारखंड में तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई 10-10 साल जेल की सजा। खबर है कि झारखंड में 2019 में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सरायकेला के कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई है और सभी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले हफ्ते 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था और सबूतों के अभाव में 2 आरोपियों को बरी भी कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे को दी मंजूरी। रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही विधेयक को आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। विधेयक में नियमों के उल्लंघन के हर मामले के लिए कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक लोगों को व्यक्तिगत डेटा को लेकर विशेष अधिकार देगा। गडकरी ने कहा, इथेनॉल इस्तेमाल करने पर 15 रुपए प्रति लीटर होगा पेट्रोल का भाव। वीडियो हुआ वायरल। खबर है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में एक जनसभा में कहा कि हमारी सभी गाड़ियां किसानों द्वारा पैदा किए गए इथेनॉल से चलेंगी। उन्होंने कहा कि अगर 60% इथेनॉल और 40% बिजली का औसत निकाला जाए तो पेट्रोल का भाव 15 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे जनता का भला होगा, किसान ऊर्जादाता बनेगा और देश में प्रदूषण भी कम होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। खबर है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली 15 सदस्यीय भारतीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया गया है। आवेश खान, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, उमरान मलिक और युजवेंद्र चहल टीम में शामिल हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।